I've been high. I've been high. व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज का वीडियो है ना, मैं लेके आई हूँ स्पेशली फॉर द फेस्टिवल ग्लैम मेकअप लुक है ये। फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है तो मैंने सोचा आपके लिए ये वाला लुक क्रिएट कर देती हूँ। आप इसे कभी भी क्रिएट कर सकते हो, बिगनर हो ना तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। एंड ओके, आज का वीडियो पूरा देखना एंड तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेहतरीन फाउंडेशन एंड कंसीलर जो होने वाले हैं बाय द ब्रांड मामा अर्थ। गाइज, यस, मामा अर्थ ने लॉन्च करे हैं उनके फाउंडेशन एंड कंसीलर, मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक। मेरा जो फाउंडेशन है वो ट्वाइस इंस्टेंट ग्लो देगा, मेड सेफ है, 12 आवर तक लॉन्ग स्टे रहेगा, 30 ml आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा एंड ये परफेक्ट कवरेज प्रोवाइड करने वाला है। फाउंडेशन सूट ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और टोटल 7 shades अवेलेबल है। इसके आपके अकॉर्डिंग, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग है ना, बहुत सारे शेड्स है तो आप जाइए चूज आराम से कर सकते हो। लिटरली ना बहुत ही अच्छे शेड लॉन्च करे हैं मामा अर्थ ने। इसको अप्लाई कैसे करना है साइड में मैं आपको शो कर दूंगी और इसके कवरेज रिजल्ट आप देख सकते हो कितना ज्यादा अमेजिंग ग्लो आया है। फेस्टिवल के लिए ये वाला फाउंडेशन बेस्ट है, ये वाला फाउंडेशन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। फेस्टिवल में ये वाला फाउंडेशन यूज करना तो बनता ही है, तो आप ये वाला कोड भी यूज कर सकते हो जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनके मामा अर्थ के कंसीलर की। यस गाइस, अभी लॉन्च हुए हैं, 3 shades में अवेलेबल है मामा अर्थ ग्लो हाइड्रेटिंग कंसीलर विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक। ये ना आपके स्पॉट्स को कवर करेगा 100%, मेड सेफ है, 12 आवर तक लॉन्ग स्टे है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 12 आवर तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा आपके अंडर आइज को और इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करने वाले ये कंसीलर है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं उनकी वेबसाइट पर, ऐप पर एंड नायका पर अवेलेबल है, पर्पल पे, अमेजोन पर एंड फ्लिपकार्ट पर भी इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मामा अर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, दे नाउ रिसाइकल ओवर 240 million tons प्लास्टिक एवरी मंथ। मामा अर्थ के प्रोडक्ट उनकी ऐप पर भी मिलेंगे, वेबसाइट पर भी मिलेंगे एंड नायका पर भी अवेलेबल है, तो आप चेक जरूर करना। बट अगर आप इनकी वेबसाइट से परचेस करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं ऐप पर। ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से ऐप को भी इंस्टॉल कर लो। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम द मामा अर्थ, मामा अर्थ लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट। एंड गाइज, मामा अर्थ नेचुरली प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ में पेड़ भी उगाते हैं। कंसीलर के जो शेड्स मामा अर्थ ने लॉन्च किए हैं ना, वो है कैरमल न्यूड, आइवरी न्यूड एंड न्यूड ग्लो। ओके गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर परचेसिंग दिस टू प्रोडक्ट, दिस इज द मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन एंड द मामा अर्थ कंसीलर, देन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड। आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो मामा अर्थ की ऐप पर एंड वेबसाइट पर टू गेट मोर डिस्काउंट एंड थैंक यू। गाइज, अब हम करने वाले हैं मेकअप, तो स्किन केयर मस्ट है। सबसे पहले मैंने फेस वॉश करने के बाद टोनर अप्लाई किया, टोनर के बाद मैंने ये हाथ से ही सुखाने की कोशिश करी है टोनर को। ओके, आप ऐसे डैप डैप कर लेना। ओके, एंड देन अच्छे से मैंने सीरम अप्लाई किया। सीरम आप मामा अर्थ का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे सीरम्स मामा अर्थ ने लॉन्च किए हैं। मसाजिंग फॉर्म में मैं अप्लाई कर रही हूँ सीरम, बढ़िया स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। जब हम लिप बाम अप्लाई करेंगे, लिप बाम आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। लिप बाम अप्लाई करने के बाद हम 5 मिनट तक वेट करेंगे ताकि स्किन अच्छे से प्रेप हो जाए एंड देन हम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। प्राइमर बहुत ज़रूरी स्किन के लिए, स्किन के इशू के अकॉर्डिंग आप प्राइमर यूज़ करो। ओके, अच्छे से मैंने टी जोन एरिया पे अप्लाई कर लिया है ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो एंड केकी ना दिखे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का फाउंडेशन जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रोडक्ट है, तो इसे डैप डैप करके मैं ब्लेंड करूँगी। उससे पहले मैंने डॉटिंग फॉर्म में अप्लाई किया है,
ओके एंड देन ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो आप, और इससे मैं डैप डैप कर कर ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग पे आपको फुल फोकस करना है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मतलब आप सेकेंड लेयर अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल फुल कवरेज हो जाएगा। ओके और ग्लोई ड्यूई तो है ही, साथ में वाटरप्रूफ भी है, समर के लिए बहुत अच्छा है, विंटर के लिए बहुत अच्छा है, ऑल सीजन ये बेस्ट फाउंडेशन है। ओके नेक पर भी अप्लाई करना और ईयर्स को बिल्कुल भी मत भूलना, ईयर्स पे भी अप्लाई करना क्योंकि बिल्कुल सेम दिखना चाहिए सब। अब कंसीलर जो न्यू लॉन्च किया है मामाअर्थ ने, वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी अंडर आइज़ को कवर करने के लिए। अंडर आइज़ पर यूज़ करो, टी जोन एरिया पर, जहाँ पर भी कंसीलर की नीड होती है वहाँ पर अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लिया है। और थोड़ी देर तक मैंने क्या करा है, इसको वेट करा है। किसी भी कंसीलर को आप वेट करके लगाओगे ना, सॉरी वेट नहीं, ड्राई करके लगाओगे ना, तो फिर वो अच्छे से ब्लेंड होता है, कवरेज बहुत अच्छी देता है। ओके तो मैंने इसे ब्लेंड किया एंड इसने कवरेज, मीडियम मुझे कवरेज मिल गया था जो इजीली हैंडल किया जा सकता है बिगनर के थ्रू। तो ये मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, और ब्लेंड आपको वहीं पर ही ब्लेंड करना है जहाँ पर आपने अप्लाई किया हो, पूरे फेस पर फैलाना नहीं है, कंसीलर को पूरे फेस पर नहीं फैलाया जाता है। एंड इसे डैप डैप करके मैं वहीं पर ही ब्रश लिया है मैंने, आप ब्रशेस चाहो तो अमेजोन से परचेस कर सकते हो। एंड में मैंने बेकिंग कर ली है फेस पर लूज पाउडर की हेल्प से, ताकि सब कुछ प्रॉपरली सेट हो जाए। फॉरहेड को भी मत भूलना एंड आईब्रो को फिल करने के हम कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। आईब्रो के लिए स्पूली ब्रश लिया है एंड देन मैंने अच्छे से आईब्रो को क्लीन एंड नीट कर लिया, जिससे मेरा जो लुक है वो प्रॉपर फिनिशिंग वाला आए ब्यूटीफुल सा। ब्राउन कलर लेकर मैंने क्रीज लाइन पर अप्लाई किया है, और ब्लेंडिंग पर फुल फोकस करना है, दोनों आइज पर अप्लाई करती हूँ मैं एंड देन ब्लेंड करना है, अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है। प्रोडक्ट आपको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, ज़्यादा लोगे ना तो हैंडल करना मुश्किल होता है इसलिए। ओके एंड देन आईलिड पर मैंने ब्राउन कलर से थोड़ा सा डार्क, थोड़ा बैंगनिश कलर अप्लाई किया है, और फिर मैंने पूरे फेस को डस्ट ऑफ कर लिया है जो भी मैंने बेकिंग करी थी, और उसी से पूरे फेस को सेट भी कर लूँगी मैं हाथों हाथ ही। ओके बहुत अच्छा लुक क्रिएट होगा ये वाला। एंड देन लिपस्टिक की हद से मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, पिंक कलर की लेना हो, पीच लेना हो, ब्राउन कलर की लिपस्टिक, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो लिपस्टिक का शेड। एंड उसे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो आप। एंड लाइनर ड्रॉ कर लिया, लाइनर विंग, एंड देन उसके ऊपर वाइट कलर का या सिल्वरिश टोन में मैंने लाइनर अप्लाई किया। एंड देन काजल को स्मच कर रही हूँ थोड़ा सा बेटर लुक के लिए, दोनों आईज पर वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन प्यारा सा ग्लोई सा हाइलाइटर, अदरवाइज आपको हाइलाइटर नहीं यूज़ करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। एंड हाइलाइटर मैंने अपने चीक्स पर अप्लाई किया, नोज पर, टिप ऑफ द नोज, फॉरहेड पर, चिन पर, क्यूपिड्स बो, ये जो प्लेसेस होती है ना वहाँ पे हाइलाइटर आपको मस्ट अप्लाई करना है, इससे आपका फेस ग्लोई दिखेगा और फेस्टिवल लुक के लिए तैयार हो जाएगा। एंड और फॉरहेड पर भी अप्लाई करना मत भूलना, ताकि आप फेस को टर्न करो ना तो वो ग्लोई दिखे और शानदार। एक पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर ली है मैंने एंड में, अब मस्कारा है, एंड में मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे लैशेस अच्छी दिखे, बड़ी बड़ी दिखे। और अब मैं क्या करती हूँ, फुल ज्वेलरी और हेयर स्टाइल करके वापस आती हूँ। That's it for today's video, guys. I hope आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा enjoy किया होगा। वीडियो helpful रहता है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेकअप लुक कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना, और मैं रिप्लाई भी करूँगी। और जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे हैं, जैसे मामाअर्थ का जो फाउंडेशन था वो बहुत ही अच्छा था, इन सभी के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेकअप लुक कैसा लगा और कौन सा मेकअप लुक आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके अब वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। इफ यू लाइक व्हाट यू हियर then don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon to receive notification every time I release a new video.